प्रीवियस पार्ट में लिटिल कृष्णा का कलर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, अभी भी आउटलाइन बहुत सारा बाकी है जो कि इस पार्ट में मैं कलर करूँगा। माता यशोदा जी को कलर करूँगा आज मैं, तो रेफरेंस पिक्चर बहुत ही सुंदर है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और आज मैं यशोदा जी को इसमें कलर करने वाला हूँ वॉल पेस्टल और कलर पेंसिल से। तो सबसे पहले जो डार्क एरिया है रेफरेंस पिक्चर में, उनमें मैं ब्रांड शाइना यूज़ कर रहा हूँ लाइट करके, ज़्यादा प्रेशर देके यूज़ नहीं करूँगा, लाइट यूज़ करूँगा। जिधर मुझे डार्क लग रहा है उस साइड में बहुत ही हल्के से करूँगा, और उसके बाद फेस्टिन का यूज़ करूँगा और पिंक कलर यूज़ करूँगा और वाइट यूज़ करूँगा। देन जिधर जिधर लाइट है उस साइड में हम लोग वाइट कलर यूज़ करेंगे, और बाकी का एरिया में हमको फेस्टिन यूज़ करना है, करके पूरा फेस को कवर कर देना है। और गालों में हमको पिंक कलर यूज़ करना है। करने के बाद इसके ऊपर हम लोग वाइट कलर यूज़ करेंगे पूरा फेस में ही, जिधर लाइट है उसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे और जिस साइड में डार्क है उस साइड में हम लोग इसको कम यूज़ करेंगे। और करने के बाद देखो स्किन बहुत ही स्मूथ लग रहा है अभी ब्लेंडिंग करने से ही पहले। अब हमको इसके ऊपर ब्लेंड करना होगा, इस तरीके से हम लोग कॉटन बट की मदद से ब्लेंड कर लेंगे बहुत ही हल्के हाथ से। तो देखो जो स्किन है वो बहुत ही स्मूथ लग रहा है। तो इसी तरह आप लोग रेफरेंस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, किस एरिया में हमको डीप रखना है और किस एरिया में हमको लाइट रखना है वो अच्छे से रेफरेंस पिक्चर देख के ऑब्जर्व करके हमको करना है। और अभी डिटेलिंग के लिए मैं कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा ताकि जो फेस है वो और भी सुंदर लगे, क्योंकि कोई कोई जगह छोटे जगह में हम लोग ऑयल पेस्टल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए कलर पेंसिल का मदद से हम लोग इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखो आई के ऊपर हमको ब्राउन कलर यूज़ करना है, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा जो रेड ब्राउन है उसका भी यूज़ करने वाला हूँ ताकि जो आई है वो और भी सुंदर लगे। आईबॉल करने के लिए मैं सबसे पहले ब्राउन कलर का यूज़ करूँगा, मैं डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ नहीं करूँगा। आईबॉल और आईब्रो दोनों में ही हम लोग सबसे पहले ब्राउन कलर यूज़ करूँगा, देन उसके बाद ब्लैक कलर का यूज़ करूँगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो देखो आईबॉल मेरा हो गया है कम्प्लीट। अब जो साइड का जो ब्लैक पोर्शन है उसे भी हमको इस तरीके से ब्लैक पेंसिल से हमको डिटेल में काम करना है। तो देखो अभी आई बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसा कि रेफरेंस पिक्चर में है उतना ही अच्छा लग रहा है। अभी हमको लिप करना है, लिप के लिए सबसे पहले मैं जो प्राइमरी रेड है उसका यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं पिंक कलर का यूज़ किया हूँ, और सबसे पहले मैं डीप रेड जो है उसको यूज़ करके मैं लिप कंप्लीट कर लिया हूँ। तो लिप में भी हम लोग बहुत अच्छे से काम किया है कलर पेंसिल की मदद से। तो अभी हमको हेयर करना है, और हेयर करने के लिए इस साइड में बहुत ही लाइट है तो इसलिए मैं लाइट येलो का यूज़ किया हूँ, देन उसके बाद लाइट ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद डार्क ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ, देन उसके बाद सबसे लास्ट में मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में हमको सभी कलर को इस तरीके से अप्लाई करना है, एकदम घिस के नहीं अप्लाई करना है। जिस डायरेक्शन में रेफरेंस पिक्चर में हेयर है उसी डायरेक्शन में हमको हेयर का जो स्ट्रोक है उसे देना पड़ेगा कलर पेंसिल से, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तभी आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो अभी हमको मुकुट भी करना है, तो मुकुट के लिए मैं पहले जो स्टोन है उसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्लू स्टोन के लिए मैं डीप ब्लू का यूज़ किया हूँ, देन उसके बाद स्काई ब्लू का यूज़ किया हूँ। अभी उसके बाद हमको गोल्डन कलर करना है मुकुट में, तो इसीलिए सबसे पहले मैं जो राउंड डिज़ाइन है उसे मैं कलर पेंसिल से किया हूँ, और साइड में जो डिज़ाइन मैं करूँगा तो इसलिए मैं ऑयल पेस्टल में जो लेमन येलो है उसका यूज़ किया हूँ। देन अभी मैं कलर पेंसिल से थोड़ा बहुत डिज़ाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ, वो भी मन से कर रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस पिक्चर में बहुत हेवी डिज़ाइन था, तो इसीलिए मैं उतना हेवी डिज़ाइन नहीं करूँगा, मैं हल्का सा डिज़ाइन करूँगा ताकि जो मुकुट है वो बहुत ही सुंदर लगे, सिंपल लगे और देखने में भी अच्छा लगे। तो उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन अप कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, बस जो ड्राइंग है वो अच्छा दिखना चाहिए। तो अभी देखो मेरा मुकुट भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, कलर पेंसिल की मदद से ही मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो डिटेल काम है वो मैं आपको दिखा सकूँ कलर पेंसिल से।
तो देखो मेरा एक काम भी हो गया है कंप्लीट। अब हमें साड़ी करना है, और साड़ी करने से पहले जो साड़ी का जो फॉल्स होता है उसको कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा लाइट और डीप इधर करना होगा। रेफरेंस पिक्चर में है, आप लोग अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले मैं हल्का करके ब्राउन कलर यूज़ किया हूँ, देन उसके बाद मैं डीप येलो यूज़ किया हूँ, और देखो हेड की ऊपर की पोर्शन में व्हाइट ही रखा हूँ। और अभी भी इसमें काम बाकी है, लेकिन सबसे पहले जो मेन साड़ी है उसे मैं कर रहा हूँ, और पूरा साड़ी पिंक में है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले लाइट पिंक का यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं डीप पिंक का भी मैं यूज़ करूँगा। और कलर पेंसिल से ही मैं ऑलमोस्ट ये वाला ड्राइंग कलर कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो पूरा ऑयल पेस्टल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिटेलिंग जो काम है उसे करने के लिए कलर पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कलर पेंसिल से जो छोटे छोटे एरिया होता है उसमें काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ऑयल पेस्टल से उतना अच्छे से हम लोग जो छोटे जगह है उसे करने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं कलर पेंसिल का मदद से ही कर रहा हूँ। तो ये वाला ड्राइंग आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बोलना, और अभी मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर से बोलना कि ये वाला ड्राइंग आपको कैसा लग रहा है। तो फॉल्स में भी मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन इस तरीके से कर रहा हूँ।